हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली मीन्स मैनी, जीन मीन्स जीन। इसमें मैनी जीन कंट्रोल वन ट्रेट। अकॉर्डिंग टू गाल्टन इन 1883, ही सजेस्टेड दैट मैनी इंस्टेंसेस ऑफ कंटिन्यूस वेरिएशन आर इनहेरिटेबल, लाइक हाइट, इंटेलिजेंसी अर्थात मेंटल कैपेबिलिटी, कर्नेल कलर ऑफ व्हीट, कॉब लेंथ इन मेज, मिल्क यील्ड इन एनिमल्स एंड स्किन कलर। इस टॉपिक को समझने के लिए हम कराते हैं क्रॉस। तो हमने लिया है पेरेंट, इस पेरेंट में एक पेरेंट है होमोजाइगस डोमिनेंट और दूसरा पेरेंट है होमोजाइगस रेसेसिव। इसमें तीन जीन है, जीन ए, दो और तीन जीन। इन थ्री जीन्स के सिक्स एलील्स हैं और सेम इसमें भी थ्री जीन्स के सिक्स एलील हैं। इसके बनते हैं गैमिट। गैमिट जो बनते हैं इसमें तो डोमिनेंट गैमिट बनेंगे और इसमें रेसेसिव। और F1 जनरेशन में जब क्रॉस कराते हैं तो प्रोजिनी जो होगी वो हाइब्रिड बनती है, अर्थात हेट्रोजाइगस प्रोजिनी होगी। इसके बाद बारी आती है F2 जनरेशन की। F2 जनरेशन में जो पेरेंट है इसी का हम क्रॉस कराते हैं दूसरे पेरेंट के साथ। तो जब क्रॉस कराते हैं तो गैमिट बनते हैं। तो अब बारी आती है गैमिट कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जीन एक, फर्स्ट जो जीन है, इसके दोनों एलील, इन दोनों एलील्स को क्रॉस कराते हैं सेकंड जीन के दोनों एलील से, और इसी तरह से इन सेकंड जीन के दोनों एलील्स को क्रॉस कराते हैं थर्ड जीन के दोनों एलील से। तो देखते हैं कि जो गैमिट है ये बनते हैं 8 टाइप्स के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कैसे बने, कैपिटल ए, कैपिटल पी और कैपिटल सी। तो ये पहला गैमिट है, सेकंड गैमिट है कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल सी। इसी तरह से हम कोई भी चेक कर सकते हैं, जैसे ये गैमिट है तो स्मॉल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। जब हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्रॉस कराते हैं तो ये क्रॉस जो है वो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोजिनी जो बनती हैं वो बनती हैं 60, कि जो डोमिनेंट एलील है इसे हमने लिखा है टॉपर और रेसेसिव एलील को इसके साथ में नीचे की तरफ। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर ऑफ प्रोजिनी है वो एक प्रोजिनी ऐसी है जिसमें 6 डोमिनेंट एलील है और रेसेसिव एलील है 0। इसी तरह से 6 प्रोजिनी जिसमें 5 डोमिनेंट एलील है और एक एलील कैसा है, रेसेसिव है। सेम 4 डोमिनेंट, 2 रेसेसिव। तो ये नंबर ऑफ प्रोजिनीज है 15 और 3 एलील डोमिनेंट और 3 रेसेसिव, ये है 20। इसके बाद 2 डोमिनेंट, 4 रेसेसिव, 15 और 1 डोमिनेंट, 5 रेसेसिव, 6 प्रोजिनी और डोमिनेंट 0 और ऑल 6 प्रोजिनीज आर रेसेसिव, तो ये है 1। तो इस रेशियो को ध्यान दीजिएगा, 1, 6, 15 और 20। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये बढ़ता है और फिर वापस सेम रिपीट होता है। 20 के बाद क्या था, 15, तो ये 15, फिर 6 और फिर 1। तो ध्यान दीजिएगा कि जो डोमिनेंट है ये कितना है, ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है। तो यहाँ पर 6 डोमिनेंट है, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1 और 0। तो हमारी जो स्किन का जो कलर है तो यहाँ पर 6 डोमिनेंट में ज़्यादा होगा डार्क, और जैसे जैसे नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स कम होते हैं तो स्किन का जो कलर है वो धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, फेयर कलर होता जाता है। चेकर बोर्ड बनाया है क्रॉस कराने के लिए। तो इधर लिखे हैं हमने 8 एलील, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कौन से वाले, ये वाले जो हमें यहाँ बने थे इसमें मिले हैं। इसके बाद इसी पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा, जो सीक्वेंस हमने यहाँ फॉलो किया है उसी सीक्वेंस में हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलील्स जो है सीक्वेंस वो लिखते हैं और क्रॉस कराते हैं। तो आपने देखा होगा, इसमें ऑब्जर्व किया होगा कि इनका जो कलर है वो हमने अलग अलग लिखा है। अलग इसलिए लिखा है कि जो ये जो पिंक कलर है ये इसमें सभी जो एलील हैं वो डोमिनेंट है, और डोमिनेंट होने पर ये नंबर ऑफ प्रोजिनी कितनी है, 1 है।
इसके बाद बारी आती है सिक्स, जिसमें पांच, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डोमिनेंट और रेसेसिव। तो जो सिक्स है इसमें 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो इधर से बढ़ते जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये जो 5 प्रोजिनी है, 5 डोमिनेंट 1 रेसेसिव, इस तरह की जो प्रोजिनी मिलती है हमें, वो मिलती है सिक्स। इसे हमने रिप्रेजेंट किया है पर्पल कलर से, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसके बाद है 15, जिसमें 4 डोमिनेंट हैं और 2 रेसेसिव एलील हैं। तो ये है ग्रीन कलर से, 1, 2, 3, इस तरह से आप काउंट कर लीजिएगा। इस तरह से जो हमें रेशो मिलता है वो है 1, 6, 15, 20, 15, 6 एंड 1। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई की एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे द डिफरेंस बिटवीन डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इसमें स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इन डाईहाइब्रिड क्रॉस 2 जीन्स कंट्रोल 2 करेक्टर या 2 ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मैनी जीन्स कंट्रोल 1 ट्रेट। सेकेंड डिफरेंस है, जीन्स आर इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजिनी, लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जीन्स रिप्रेजेंट द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन 1 ट्रेट और 1 करेक्टर। जो जीन है वो मिलकर प्रोजिनी या प्रोजिनी में पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। थैंक यू।